नमस्कार, आपके साथ में अनश गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। जीटीएस अस्पताल में हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए पुलिस ने 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी में सीएसपी आजाद चौक, गोलबाजा थाना, टीआई मोधापारा थाना टीआई सदस्य होंगे और जांच कमेटी का गठन नर्सिंग स्टाफ की भर्ती के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच के लिए किया गया है। जांच का आदेश रायपुर एएसपी आरिफ शेख ने दिया है। तो बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट हेल्थ यूनियन ने गोलबाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ स्टेट हेल्थ यूनियन ने आरोप लगाते हुए कहा कि डीकेएस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती में गड़बड़ी की गई। अस्पताल प्रबंधन के लोगों ने योग्यता को नजरअंदाज कर अपने चहितों को फायदा पहुंचाया। मामले को लेकर रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने जांच के आदेश दे दिए। प्रथम शिकायत प्राप्त हुई है गोलबाजार थाने में कि डीकेएस अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ भर्ती में कुछ धोखाधड़ी हुई है। तो वो शिकायत की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। डीएसपी आजाद चौक जो है वो उसका नेतृत्व करेंगे और उसमें टीआई मौदापरा और टीआई गोलबाजार ये सदस्य हैं। तो शीघ्र ही वो जांच करके रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे, फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।